हेलो एवरीबॉडी कैसे आप सभी उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी अच्छे होंगे मैं हूँ अर्पित फॉर माई फेवरेट फील लर्निंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट लर्न तो अब जैसा कि आप सभी जानते ही कि अपना जो चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम वो खत्म हो चुका है अब बात आती है उसके प्रैक्टिस करने की और उसी के देखने की कैसे क्वेश्चंस आया करते हैं तो बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें अपन अपने नोट्स को निकाल के रखना और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से चलो देखते हैं फिर चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से अपन स्टार्ट करते हैं 2023 में 11 अप्रैल को ये क्वेश्चन आया हुआ है क्या बोल रहा है 4.5 मोल्स रहे हाइड्रोजन एंड आयोडीन इज हीटेड इन सील्ड 10 लीटर वेसल ठीक है एट इक्विलिब्रियम मोल हीच आई वर फाउंड मतलब थ्री मोल क्या बन रहे हैं एच है आई के मिल रहे हैं द इक्विलिब्रियम कॉन्सटेंट इज इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट बताना है क्या बताना है केसी ठीक है तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि भैया केसी होता क्या है तो इसको ही अपन बोल देते हैं इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट यहां तक तो क्लियर होगा ठीक है एक बार वापस से समझ लेते हैं ये आपको एक रिएक्शन दी गई है क्या है देखो H2 जो कि गैस है प्लस I2 जो कि गैस है और ये बना रहे हैं क्या टू एच आई देखो टू एच आई जो कि गैस है ठीक है यहां तक क्लियर होगा अब इनने बोला है कि टेन लीटर वैसल है तो एक वैसल भी बना लेते हैं वैसे ये बिना बनाए भी आपका सॉल्व हो जाएगा ठीक है एक वैसा ली है टेन लीटर के इसके अंदर रिएक्शन हो रही है इनने क्या लिया है फोर पॉइंट फाइव मोल लिए है इसका भी फोर पॉइंट फाइव मोल है और अगर टाइम इज इक्वल टू जीरो है जहां पर रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ होगा तो ये वाला जो है ये जीरो होगा इसके एक भी मोल नहीं होंगे ठीक अब उनने बोला एट इक्विलिब्रियम अब जब टाइम जो है वो इक्विलिब्रियम तक पहुंच चुका है टाइम थोड़ा बीत चुका है ठीक है तो यहाँ पर क्या था टी इज इक्वल टू जीरो था, यहाँ पर टी इज टू इक्विलिब्रियम है तो क्या हो गया? यहाँ पर उनको पता चला कि इसके कितने मोल हैं, तीन मोल इसके हैं ठीक है समझ में आ गया ये तो हो गई अब किसकी बात जो अपन को गेवन था ठीक है तो ये हो गई किसकी गेवन की बात अब अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं ठीक है ये इक्विलिब्रियम पर कितना डिसोसिएट हुआ होगा तो कैसे निकाल सकते हैं इसको चलो समझते हैं ध्यान से देखना इनिशियल कितना था 4.5 था 4.5 था इसके सामने कुछ है नहीं है तो माइनस में अल्फा लिख दूं या फिर एक्स लिख सकते हो ठीक है एक मोल अब इसमें कितना है 4.5 है सामने कुछ है नहीं है तो एक्स लिख दूंगा ये कितना बन गया होगा ये बन गया होगा सर टू ये भी सही है यहां तक क्लियर हो गया तो ये अपन ने क्या निकाला खुद से निकाल ठीक गेवन कितना देखे रखा है थ्री तो क्या मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूं बिल्कुल निकाल सकता हूं देखो तो यहां पर हो जाएगा टू एक्स जो अपन ने निकाला है की वैल्यू हमें दी गई ये थ्री तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई वन पॉइंट फाइव हमारे पास वन पॉइंट फाइव आ गई ये क्यों कर रहे हैं ये हम क्यों कर रहे हैं क्यों क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है और वो इक्विलिब्रियम पर ही निकलेगा और बिना कंसेंट्रेशन के कैसे निकालोगे केसी ठीक है तो देखो केसी का फॉर्मूला क्या होता है केसी इज इक्वल टू एच आई प्रोडक्ट सामने दो तो ऊपर दो डिवाइड बाय एच टू सामने वन है तो ऊपर वन तो मतलब ही नहीं आई टू सामने वन है तो ऊपर वन तो मतलब ही नहीं सामने वन का मतलब क्या है स्टाइशोमेट्री अगर वन टू वी है तो वो पावर बन जाती है तो ऊपर चला जाता है तो वही लिख रहा हूं मैं कि सामने दो, तो दो, है? निकाल लिया तो यहां पे अगर मैं वैल्यू को पुट करूंगा तो देखो मेरे पास जाएगा फोर पॉइंट फाइव एक्स की वैल्यू कितनी आई वन पॉइंट फाइव तो कितना हो गया थ्री सेम ये भी कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा फोर पॉइंट फाइव माइनस एक्स इक्वल टू थ्री और इक्विलिब्रियम पर हमको इसका कंसंट्रेशन तो गिवन ही है थ्री तो सारी वैल्यूज थ्री 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 है तो यहां पर पुट कर तो देखो तो के सी इज इक्वल टू थ्री का स्क्वायर है तो थ्री इंटू थ्री लिख रहा हूं डिवाइड बाय एच टू मतलब थ्री और ये आई टू मतलब थ्री तो यहां पे ऐसे काट सकता हूं इसको मैं कितना आ गया वन आ गया ठीक अब बात आ गई कि सर टेन लीटर फैसल की क्या बात है अगर कंसंट्रेशन निकाल रहे हो तो कंसंट्रेशन वैसे भी निकाल सकते हो ये मोल आ गए ना मोल डिवाइडेड बाय टेन क्योंकि टेन तो आपका कॉन्स्टेंट ही है तो वो पूरी वैल्यू कट के वन ही आएगा ठीक है आप चाहो तो वो भी कर सकते हो कंसंट्रेशन की बात है ना तो आप निकाल सकते हैं यहां तक क्लियर हो गया समझ में आ गया तो यहां पर इसका आंसर क्या आ गया यहाँ पर आप क्या पुट करोगे या तो वन लिख के आओगे ऐसा या तो ऐसा लिख के आओगे बस और कुछ नहीं करना है क्लियर समझ में आ गया चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 10 अप्रैल को आया हुआ 2023 एकदम ताजा ताजा है मतलब देखो नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग इक्वलिब्रिया इन फिजिकल प्रोसेसिस फ्रॉम दब इनमें से कितने नंबर स्टेटमेंट कितने स्टेटमेंट है सही है वो हमें बताना नंबर बताना एक स्टेटमेंट सही है दो स्टेटमेंट सही है तीन सही है तो ये हमको बताना है चलो देखते हैं इक्वलिब्रियम इज ओनली पॉसिबल या फिर इज पॉसिबल ओनली इन अ क्लोज सिस्टम एट अ गिवन टेम्परेचर क्या बोलना चाह रहे हैं टेम्परेचर गेवन है ठीक है, है ये बोल रहा है इक्विलिब्रियम सिर्फ क्लोज वेसल में ही पॉसिबल है तो क्या ये बात सही है मैं बोलूंगा ये बात हम निकालते हैं देखो आजाओ। आ जाओ ये बात निकालेंगे अपन ये मैं लेके चल रहा हूं कि मेरे पास एक ऐसा बाउल है ठीक है? है ना इसके अंदर क्या भरा हुआ है एच टू ओ 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 के मॉलिक्यूल है यहां तक क्लियर मैं इसको कर रहा हूं हीट मैं इसको कर रहा हूं हीट तो अब मुझे आप बताओ कि ये कंडीशन कब बनेगी कि H2O जो लिक्विड है वो इक्विलिब्रियम पर बनेगा H2O गैस के ये इक्वेशन कब बन सकती है बताओ अभी मैं इसको हीट कर रहा हूं तो यहां पर क्या हो रहा होगा कि ये जो H2O लिक्विड है ये H2O गैस बना रहा होगा H2O गैस बना रहा होगा मतलब मैं बोल सकता हूं कि वेपर बन रहा है या फिर स्टीम निकल रही है ठीक है तो यहां पर ये प्रोसेस क्या हो रही है कि H2O जो लिक्विड है वो गैस बना रहा है H2O वेपर बना रहा है सिंगल प्रोसेस क्यों क्योंकि आपने लिड नहीं लगाया हुआ है ओपन कंटेनर है वो तो सिर्फ गैस 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 बनते जा रही है एटमोसफेयर में गैस फैल जाएगी ठीक है लेकिन अब मैं यहां पर एक कंडीशन आपको अगर लगा दू सी कंडीशन सर यहां पर मैंने क्या करा इसको ऐसे क्लोज कर दिया ये कर दिया मैंने इसको ऐसे 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 क्लोज ठीक है तो अब क्या होगा कि ये जो एच गैस बना रहा था वो इस सरफेस से क्या होगा स्ट्राइक होगा यहां पर स्ट्राइक होगा मतलब टकराएगा कोलाइड होगा और वापस से नीचे आना चलगा चल चल नीचे क्यों आ रहा है कंडेंस हो जाएगा एनर्जी तो है वो ठंडा हो जाएगा थोड़ा तो वो कंडेंस हो जाएगा और अगर कंडेंस हो गया तो वो जो गैस बन रहा था अब वो लिक्विड भी बनेगा ठीक है ये कब हो रहा है जब मैंने लिड लगा दिया लिड लगा दिया मतलब अब मैं क्लोज सिस्टम की बात कर रहा हूं तो ये वाली कंडीशन अचीव हो जाएगी और ये वाली कंडीशन अगर रिवर्सिबल प्रोसेस हो गई और दोनों चीजें बन रही हैं एक टाइम ऐसा भी आएगा जितना भाप बना है उतना ही पानी होगा जितना पानी है उतना ही भाप बना है ठीक है ऐसे तो यहां पर ये कब हो रहा है जब क्लोज वेसल है तो बिल्कुल ये वाला चीज सही है कि पॉसिबल है जब क्लोज होगा ठीक है चलो नेक्स्ट पॉइंट बोथ अपोजिंग प्रोसेस ऑकर एट सेम रेट ठीक है तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है कि अगर मैं रेट की बात कर रहा हूं रेट ठीक है तो मैं क्या बोलता था कि कांस्टेंट नहीं होना चाहिए कांस्टेंट नहीं होना चाहिए सेम होना चाहिए आप सभी को मैंने कॉन्सेप्ट एडोन में एक ग्राफ कराया था याद है क्या सभी को कि नहीं है किसी को याद है वाला ग्राफ था वो वो कुछ ऐसा ग्राफ देख रहा था देखो ये जो था और ऐसा ये होगा वाई एक्सिस हो गई एक्स एक्सिस यहां पर रेट था यहां पर अपन टाइम के बीच में लेके चल रहे थे क्लियर है अब कई ग्राफ हमने कैसे देखे थे ऐसे देखे थे ध्यान से देखना ये वाले ये वाले ग्राफ देखे थे ऐसे कुछ यहां पर हम क्या देख रहे हैं रेट कांस्टेंट हो रहा है तो इस कंडीशन को मैं क्या बोल रहा था कि इक्विलिब्रियम नहीं है लेकिन वहीं पर जब मैंने एक दूसरा ग्राफ बनाया था आप सभी के लिए वो कुछ ऐसा दिख रहा था देखो देखो ऐसे ये आ रहा था ऐसा और उतना ही वो प्रोडक्ट बना रहा था ऐसे तो इस कंडीशन पे या फिर यहां से अगर मैं ऐसे 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 लाइन खींचूं तो इसको मैं इक्विलिब्रियम बोल रहा था क्यों क्योंकि जितना रेट ऑफ फॉरवर्ड है रेट ऑफ़ अच्छा ये बताओ पहले तो इसमें से प्रोडक्ट का ग्राफ नीचे वाला है या ऊपर वाला है बताओ सर नीचे वाला है बिल्कुल सही यहां पर क्या होगा क्योंकि प्रोडक्ट तो जीरो से बनेगा ना रिएक्टेंट तो शुरू से ही होगा प्रोडक्ट जीरो से बनेगा इसीलिए इसका जो ग्राफ है प्रोडक्ट का ग्राफ वो ओरिजिन से चालू होता है लेकिन रिएक्टेंट का चालू नहीं होता तो अब मैं क्या लिख सकता हूं रेट ऑफ फॉरवर्ड और ये क्या हो गई रेट ऑफ रेट ऑफ बैकवर्ड और अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो इस लाइन पे क्या हो रहा है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल है रेट ऑफ बैकवर्ड के मतलब दोनों के दोनों सेम रेट हैं तभी जाके इक्विलिब्रियम जनरेट हो रहा है या फिर प्रोड्यूस हो रहा है या फिर यहां पर बन रहा है तो मैं क्या बोलूंगा ये वाला पॉइंट भी एकदम सही है आगे चलते हैं सेकेंड थर्ड पॉइंट वेन इक्विलिब्रियम इज अटेन एट अ गिवन टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ ऑल इट्स पैरामीटर बिकम इक्वल अब ये बोल रहा है कि सारे के सारे जो पैरामीटर हैं वो इक्वल हो जाते होंगे ऐसे होता होगा क्या ठीक है देखो कंसनट्रेशन इक्वल हो जाता है जो रेट है वो भी इक्वल हो जाता है लेकिन अगर बाकी की चीजें की बात करें तो वो इक्वल नहीं होता है ठीक है तो अपन हर पैरामीटर को लेके बात नहीं कर सकते ठीक है तो ये वाली बात तो ऐसे 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 करके इसको काट दिया जाए अब बात करते हैं डी फॉर डिजॉल्यूएशन

हो गया सॉलिड और लिक्विड के बीच में ठीक है समझ में आ गया तो ये था आपका कौन सा सेकेंड सर नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितने सही है तो इसका आंसर है थ्री तीन सही है तो आप ऐसे तीनों पर टिक करेंगे और पहली बात तो आपको पूरे स्टेटमेंट बताने भी नहीं है कई लोग ना तो लगा आ जाते हैं कि तीन सही है उन्हें पता नहीं है तीन सही है अब कौन कौन से सही है अगर बैठने पूछने बैठ गए तो वो गलत कर देंगे क्योंकि सिर्फ नंबर बताना है तो वो आंसर सही हो जाता है उनका ठीक है चलो अब आगे चलते हैं कौन सा क्वेश्चन थर्ड देखते हैं थर्ड क्वेश्चन है द इक्विलिब्रियम कंपोजिशन ऑफ द फॉर दिस रिएक्शन ये वाली रिएक्शन दी गई है पीसीएल थ्री PCL, के साथ पीसीएल बना रहा है एट 298 नाइनटी ठीक है इज गिवन ब्लू ओके okay, तो यहां पर आपके पास कंसंट्रेशन गिवन है अब क्या पूछना चाह रहा है ये इफ 0.2 पॉइंट टू मोल ऑफ सी टू इज एडेड एट अ सेम टेंपरेचर द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी फाइव इज कितना होगा के आपको गिवन इसको कैसे निकाले भाई इसको कैसे निकाल सकते हैं तो चलो समझते हैं यहां पर एक रिएक्शन आपको सबसे पहले तो वही लिखनी पड़ेगी कि पी प्लस सी एल टू जो कि बना रहा है पी सी एल फाइव ठीक है समझ में आ गया अब इनने गैस है लिक्विड है सॉलिड है ये सब नहीं बोला ज्यादातर गैस ही होगा ठीक है समझ में आ गया इतना अब ये बोल रहा है कि यहां पर इसका इक्विलिब्रियम पर इसका कंसंट्रेशन कितना होगा तो इनिशियली कितना है ये गेवन है देखो यहां पे पीसीएल थ्री का जीरो पॉइंट टू गेवन है ये इक्विलिब्रियम पर है और जीरो पॉइंट वन इसका गेवन है और ये इतना गेवन है ठीक है अब जीरो पॉइंट टू मोल सीएल टू का और एड कर दिया है सेम टेम्परेचर पर तो देखो निकालते हैं इसका आपके पास कंसंट्रेशन कितना है यहां पर आपके पास है जीरो पॉइंट टू ठीक है यहां पे है 0.1 लेकिन इन्होंने वापस से ऐड कर दिया है 0.2 तो ये लगभग हो जाएगा जीरो पॉइंट थ्री यहां तक क्लियर यहाँ क्लियर अब इसका निकालना है कितना इनिशियली है है ठीक ये आपके पास गिवन है यहां तक क्लियर एकदम क्लियर अब इक्विलिब्रियम पर क्या होगा कुछ चीजें डिसोसिएट भी होंगी तो ये टाइम इज इक्वल टू मैं मान के चल रहा हूं जीरो है और टाइम इज इक्वल टू जब इक्विलिब्रियम होगा तो क्या होगा जीरो में से माइनस ये इनिशियल हो गया माइनस कितना करूंगा इसके सामने कुछ है नहीं है तो एक्स ले लो तो यहां पर कितना जीरो पॉइंट थ्री माइनस एक्स और यहां पर क्या होगा जीरो पॉइंट फोर जीरो माइनस एक्स की प्लस एक्स यहां पर क्या होगा जितना ज्यादा ये डिसोसिएट होगा उतना ज्यादा तो ये बढ़ेगा ना तो ये हो जाएगा प्लस एक्स क्लियर समझ में आ गया क्या क्या हो गया देखो भाई क्योंकि ये रिएक्टेंट है याद रखना ये सारे के सारे क्या है आपके रिएक्टेंट हैं तो जितना ज्यादा रिएक्टेंट कम होगा उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनते जाएगा रिएक्शन जब करेंगे रिएक्टेंट तभी तो प्रोडक्ट बढ़ते जाएगा और ये कंसंट्रेशन तो आपको देते ही रहा है तो जितना ये टूट रहा है तो उससे तो प्लस ही होगा ना यहाँ पे तो बढ़ता ही जाएगा ना जितना यहां टूटेगा उतना यहां जाएगा समझ में आएगा एक बार एक कंडीशन देख लो ए है प्लस बी है मान लो ये पांच है ठीक है और यहां पर सी है ठीक इसका कंसंट्रेशन मान के चल रही है, 3 है अभी। अब जितना ये थ्री है वन टूटा तो यहां पर जाके जुड़ेगा वो रिएक्शन तो रिएक्शन में ही रहेगा ना रिएक्शन के बाहर थोड़ी चीजें चली जाएंगी अगर इसमें से कितना टूटा होगा दो टूटा होगा तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर प्लस टू हो जाएगा जितना टूटते जाएगा वहां पर जाके वो प्लस होता जाता है क्लियर है समझ में आ गया चल अब आगे चलते हैं थोड़ा समझते हैं अब सबको मेरे ख्याल से तो के का जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए केसी का फॉर्मूला क्या होता है केसी इरेजर से लिख रहा था के सी इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ पी सी फाइव डिवाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ पी थ्री और सी टू और सी टू यहां तक क्लियर है ना मस्त मस्त क्लियर है एकदम बहुत समझ में आ गया होगा कोई घबराने वाली बात नहीं चलो इसको निकालते हैं अगर मैं यहां से वैल्यू को निकालना चाह रहा हूं तो कैसे आएगा ये हो जाएगा ट्वेंटी इज इक्वल टू ट्वेंटी कहां से आए क्योंकि गिवन है ठीक है अब इनको निकालते हैं कैसे निकालोगे देखो पीसीएल फाइव कितना है जीरो पॉइंट फोर जीरो प्लस एक्स डिवाइडेड बाय देखो पीसीएल थ्री कितना है जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट टू माइनस एक्स और जीरो पॉइंट थ्री माइनस एक्स यहां तक क्लियर है यहां तक क्लियर है अब जब इसको सॉल्व करोगे देखो यहां पे स्क्वायर वाला टर्म बन जाएगा तो कौन सा पुट कर सकते हो अगर चाहो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी वाला यहां से आप निकाल सकते हो ठीक है देखो अब इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूं यहां पर जो एक्स की वैल्यू है वो लगभग आती है जीरो पॉइंट जीरो एट सिक्स जीरो पॉइंट जीरो एट सिक्स अब आपको निकालना क्या है ये निकालना है ना इसका कंसंट्रेशन निकालना है तो कंसंट्रेशन ऑफ पीसीएल थ्री पीसीएल कितना लिया था अपन ने जीरो पॉइंट फोर जीरो प्लस एक्स तो इसको अगर मैं सम कर दूंगा जीरो पॉइंट फोर जीरो प्लस कितना आ गया जीरो पॉइंट जीरो एट तो आपके पास इसकी वैल्यू मिल जाएगी इसको आप सम कर लेना और आपके पास आंसर पूरा मिल जाएगा क्लियर है ठीक है देखो ये टेन की पावर माइनस टू में है याद रखना ये बात ये टेन की पावर माइनस टू में है तो आपको उसको कुछ ऐसे अरेंज करना पड़ेगा कि ये टेन की पावर माइनस टू में आ जाए ठीक है मोल लीटर इनवर्स में क्लियर है समझ में आ गया चलिए ठीक है अब आगे चलते हैं वैसे तो बहुत ईजी है ये लगभग जीरो पॉइंट फोर एट के करीबन आएगा ठीक है तो आप निकाल सकते हो फोर फोर एट इंटू टेन की पावर माइनस टू यहां तक क्लियर ठीक है ये था अपना तीन क्वेश्चन अब आगे के लगातार तीन क्वेश्चन देखते हैं जब तक इतना लिखो ठीक है और समझ लो कहां पे डाउट है आपको अपन ने तीन क्वेश्चन देखे हैं ये ये ठीक है यहां पर भी केसी का था मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूं कि इस चैप्टर में केसी के ज्यादा बाहर नहीं पूछता ये आपका केसी के ऊपर था ये वाला क्या था इक्विलिब्रियम के ऊपर था लिचे प्रिंसिपल ठीक है और ये वाला भी केसी के ही ऊपर था क्लियर है समझ में आ गया देखा केसी कितना इंपॉर्टेंट है इतना लिखो फिर आगे चलते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ वाला तीन क्वेश्चन अपन ने देखे अभी अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे आपको दो रिएक्शन दी गई है एक्स जो है वो वाइज बना रहा है तीनों गैस है और ए जो है वो वो बना रहा है, वो दोनों गैस है। और के पी के पी टू आपको दोनों की दोनों गिवन है है ठीक तो इफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट एक्स और ए मतलब कि जो ये है एक्स और ये हो गया ए इन दोनों का इनिशियल और जो आपका क्या है फ, कौन सा है डिसोसिएशन दोनों के दोनों क्या है इक्वल हो रेशियो ऑफ़ टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम अपॉन पी टू एक्स रेशियो वन वैल्यू ऑफ एक्स इज अब ये हमको बताना है ये कैसे निकालेंगे आप बताओ कौन सा फॉर्मूला इसमें लगना चाहिए सबसे पहले तो देखो पी की बात करी है और टोटल प्रेशर की बात करी तो क्या लगाओगे बताओ क्या लगाने वाले हैं हम हम लगाने वाले हैं के पी का फॉर्मूला केपी का फॉर्मूला क्या होता है मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर याद है ना सभी को ये क्या हो जाता है पी टोटल लिख दूं ऐसा तो इसके लिए हमें थोड़ी ज्यादा जगह चलेगी तो अपन यही चाहिए रहेगी तो अपन थोड़ा आगे चलते हैं इसमें सॉल्व करेंगे ठीक है देखो तो ये क्या हो जाएगा एक्स ये क्या बना रहा है ग्राम ये गैस है ग्राम नहीं ये बना रहा है वाई गैस प्लस जेड गैस कितना इजी है ठीक मान के चलो मान के चलते हैं क्या दिक्कत मान के चलते हैं, इसका कंसंट्रेशन वन है दिया हुआ है क्या देखो का अपन कोई इनिशियल दिया हुआ है नहीं दे के रखा है तो अपन लेके चलते हैं इसका कंसंट्रेशन अभी तो वन होगा तो हमें पता है कि ये क्योंकि प्रोडक्ट है तो ये जीरो होगा ये भी जीरो होगा ठीक है ये कब बात चल रही है जब t इज इक्वल टू आपका जीरो चल रहा था अब t इज इक्वल टू जब आपका इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा मतलब कि कुछ समय के बाद ठीक है तो क्या होगा इसमें से कुछ पार्ट टूटेगा तो मतलब माइनस एक्स और जितना टूटा है उतना प्रोडक्ट में जाएगा कितना x और ये x अब यहां पर थ्री होता तो मैं थ्री एक्स लगता फोर होता तो फोर एक्स लगता था टू होता तो टू एक्स क्योंकि इसके सामने हो है तो सिर्फ एक्स लिखा कितना इजी चलो अब अगर मैं यहां पे निकालना चाहूं के पी केपी कैसे निकालूंगा देखो के पी का फॉर्मूला क्या होता है मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट ठीक है टोटल प्रेशर तो आएगा ही आएगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ ये और फिर से टोटल प्रेशर ठीक है सबका निकालना है हमें है ना याद रखना ही बात तो चलो निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा देखो एक्स मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं उस मोल का उस कंपोनेंट का मोल डिवाइड बाय टोटल मोल तो टोटल मोल क्या हो रहा है पहले वो निकाल लेते हैं। देखो तो टोटल मोल हो रहा है हमारा वन माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स ये मोल ये मोल और ये मोल सबको सम करना पड़ेगा टोटल मोल के लिए तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल बच गया वन माइनस वन प्लस एक्स ठीक है ये बच गया ये वाला प्लस है ना इसके पास वन प्लस एक्स ठीक है तो ये क्या जाएगा एक्स अपॉन वन प्लस एक्स क्लियर बहुत इजी चलो ये हो गया अपना किसका वाई का अब अगर इसका निकालू तो क्या होगा जेड का सेम ही होगा एक्स अपॉन वन प्लस एक्स और अगर मैं लेके चलू पी टोटल पी वन लेके चल रहा हूं इसका ठीक है देखो इसको सॉल्व करो डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय यहां पे क्या होगा देखो अब इसका निकालना रिटर्न का तो वन माइनस एक्स और वन प्लस एक्स क्या यहां पर किसी को कोई दिक्कत है क्या यहां पर कोई फंसा होगा नहीं फंसा होगा मेरे ख्याल से और टोटल प्रेशर लेके चल रहा है अपन पी वन ठीक है इसका लेके चलते हैं पी वन इसको जरा सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा यह जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर अब इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो उल्टा हो जाएगा ये हो जाएगा वन प्लस एक्स और वन माइनस एक्स क्या इसमें कोई दिक्कत है नहीं है ऊपर डिवाइड में था ऊपर गया इनटू उल्टा हो गया ठीक है तो एक से एक कैंसिल ये ये क्या बच बच गया गया देखो गया आपके पास इसको थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं ये बच जाएगा आपके पास कि के पी वन फॉर फर्स्ट रिएक्शन ठीक है के लिए वो कितना हो गया वो हो गया इज इक्वल टू एक्स अब देखना यहां पे थोड़ा सा मैस लगा लू है वन प्लस एक्स ये है वन माइनस एक्स तो वो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर मतलब वन माइनस बी का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर तो वन माइनस एक्स स्क्वायर यहां तक सही है अरे भाई ये फॉर्मूला लगा है कौन सा फॉर्मूला है सर अरे देख लो देख लो ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है उसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यही लगा है वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स ठीक है समझ गए चल आगे चलते हैं तो ये हो गया अपना के पी वन इंटू पी टोटल चल ही रहा है पी वन चल रहा है ठीक क्लियर अब बात करते हैं दूसरी रिएक्शन के लिए दूसरी रिएक्शन को अपन कैसे लिखेंगे ए जो है वो क्या बना रहा है यहां पर लिख लेते हैं उसको इधर जो ए जो है वो बना रहा है आपका टू बी दोनों के दोनों हैं इनिशियल इसका वन होगा इसका जीरो होगा ठीक है अब ध्यान से देखना अब जैसे ही मैं टी इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर बात करूंगा तो क्या हो जाएगा ये वन माइनस एक्स इसके सामने वन था ठीक है तो एक्स लिखा अब देखो इसमें मैं बात करूंगा तो वन माइनस अब देखो इधर ये कितना हो जाएगा टू एक्स वन नहीं आएगा सिर्फ टू एक्स गई ठीक है क्यों इनिशियल तो जीरो है ना इसका ठीक तो ये कितना हो गया टू एक्स समझ में आएगा टू एक्स क्यों लिखा इसके सामने टू था इसीलिए एक्स लिखना पड़ा चलो इसका निकालो केपी टू केपी टू क्या होगा अब देखो ये टू एक्स ध्यान से देखते रहना ये टू एक्स अपॉन टोटल मोल कितने हैं इसके पास टू एक्स प्लस वन माइनस एक्स तो ये बन जाएगा आपके पास वन प्लस एक्स ठीक है टू में से वन गया तो वन बचा और वन और क्या है वन प्लस एक्स पॉजिटिव ठीक तो ये हो जाएगा आपके पास वन प्लस एक्स वन प्लस एक्स यहां तक क्लियर है भाई यहां तक क्लियर है लेकिन इसके सामने स्थाइशमेट्री इस टू है याद रखना स्टाइशोमेट्री टू है तो ये क्या बनेगी पावर बनेगी और पावर बनेगी तो इसका होल स्क्वायर होगा इसलिए मैं एक और साइड से लिख दे रहा हूं ऐसा टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स क्लियर क्लियर एकदम शांत में ठीक है या फिर इसका आप स्क्वायर भी लिख सकते हो उसमें कोई भी गलत नहीं होगा चलो डिवाइडेड बाय इसकी बात करो इसका इनिशियल कितना है टोटल कितना है one plus x. Clear है क्लियर ना यहां तक सही है चलो अब सॉल्व करते हैं इसको तो kp2 is equal to, ये तो ये हो गया आपका फोर एक्स का स्क्वायर ठीक है डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स का फिर से होल स्क्वायर ऊपर जाएगा उल्टा हो जाएगा वन प्लस एक्स हो जाएगा ये वन माइनस एक्स हो जाएगा तो एक से एक कैंसिल हो गया बचा सिर्फ एक तो ये बचाएगा फोर एक्स स्क् अपॉन वन माइनस एक्स स्क् हो गया आपके पास के पी टू और इंटू टोटल प्रेशर मत भूल जाना पी टूटल अपन टू, टू मान लेते हैं पी टू ठीक है भूलना नहीं पी लगता ही है याद रखना ये तो मोल फ्रैक्शन है इन टू पी टूटल करना ही पड़ेगा तो पी टू तो लिखना ही पड़ेगा आपको क्लियर हो गया ठीक है तो ये अपन ने इसकी बात कर ली अब हमसे पूछा क्या है P1 वन अपॉन पी का रेशियो पूछा है तो यहां पर अपन चलो सॉल्व कर लेते हैं P1 वन अपॉन पी कैसे सॉल्व करेंगे P1 वन अपॉन पी को जरा डिवाइड करना पड़ेगा तो एक कम करो इक्वेशन नंबर इसको अपन मान लेते हैं one, इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं दोनों फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो तो ये बनेगा आपके पास के पी वन के पी टू को डिवाइड कर रहे हैं इसवल टू के पी वन कितना है देखो एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स है यही है कुछ गड़बड़ नहीं है इसमें ठीक है अब के पी टू कितना देखो तो यह आपका फोर एक्स स्क्सर तो एक काम करो इसको उल्टा लिख दो डिवाइड में है ना तो ये वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फोर एक्स स्क्वायर यहां तक क्लियर यहां तक मस्त मस्त क्लियर और ये क्या हो जाएगा आपके पास पी वन अपॉन पी टू ये पी वन था अपॉन पी टू क्लियर है समझ में आ गया इतना तो चलो अब ये ये देखो x square से x square गया, 1 x square से क्या बन गया P1 upon P2. क्या बचा आपके पास फिर यहां पर बचा फोर kp1 वन कितना देखो के पी वन है हमारे पास के पी वन अपॉन के पी टू तो चल ही रहा है kp1 वन है हमारे पास थ्री तो ये हो जाएगा ट्वेल्व अपॉन वन इज इक्वल टू पी वन अपॉन पी टू ये देखो ये आ गया अपने पास इक्वेशन ठीक है तो अब जरा पीछे देखें अपन थोड़ा क्वेश्चन की तरफ तो हमको क्या निकालना था P1 वन अपॉन पी निकालना था जिसका हमें रेशियो दिया गया था x रेशियो वन मतलब x बाय और हमारा क्या आया है P1 वन अपॉन पी टू इज इक्वल टू ट्वेल्व अपॉन वन आया है दोनों को जरा कंपेयर कर लो तो x की वैल्यू क्या दिख रही है 12 दिख रही है सर तो आंसर क्या होगा 12 होगा अब बात यह है लोगों को लगेगा या फिर आप सबको लग सकता है कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा टफ था लेकिन मैं आपसे बोलूं तो टफ तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं था क्यों नहीं था अगर आपके पास फॉर्मूला पता है आपको अगर फॉर्मूला पता है आपको ये वाला फार्मूला जो पीछे अपन ने पढ़ा हुआ है ये वाला फॉर्मूला तो क्या ही दिक्कत आएगी बताओ किस चीज में फंसोगे आप किसी भी चीज में नहीं फंसोगे याद रखना ये बात ठीक है केपी वन के पी टू सारे पन्ने निकालना है लेकिन फार्मूला तो यही लगा है ना ठीक मोल फ्रैक्शन निकालने में मैं समझ सकता हूं कि थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्योंकि टोटल प्रेशर में आप लोग मात खा सकते हो ठीक है लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक समझना है टोटल प्रेशर कैसे निकालते हैं क्लियर हो गया समझ में आ गया बहुत चिल था मामला चलो ठीक है अब आगे चलते हैं जो एक फरवरी को आया था ये बताना मैं भूल गया अब आगे चलते हैं 22 जुलाई को क्वेश्चन 2021 को ये कुछ क्वेश्चन पूछा गया वैल्यू ऑफ केपी देखो फिर से केपी फिर से केसी मैं बोल ही रहा हूं इस चैप्टर से ज्यादातर केपी पी के ही आता है है ना बार बार बोल रहा हूं तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना क्योंकि मार्क्स जो है इतना ईजी फॉर्मूला है इतने ईजी रिलेशन है ये कहीं नहीं मिलेंगे ज्यादा ठीक है तो यहां पर नंबर आपके बहुत बढ़ सकते हैं तो ये चैप्टर तो छोड़ना मत कभी ठीक है चलो नाम भले ही टफ है इक्विलिब्रियम ठीक है लिख के चल लेना लेकिन पढ़ना है सबको वैल्यू ऑफ के पी फॉर इक्विलिब्रियम रिएक्शन दिस आपके पास इसकी रिएक्शन के पी निकालना है इज टू सेवनटी टू सेवनटी नाइन करो फोर सेवन पॉइंट नाइन ठीक है द केसी फॉर द रिएक्शन एट सेम टेम्परेचर इज भाई के पी तो गिवन है के सी निकालना है के पी गिवन है ठीक है के सी निकालना है के सी को हमको निकालना है अब ये सोच रहा हूं मैं आपको होमवर्क दे दू दे दू क्या <laughs> अरे देखो यहां पर क्या है के पी गेवन है के सी निकालना है तो कैसे निकालोगे यार बताओ रिलेशन होता है पुट कर दो ना के पी इज इक्वल टू केसी अब इसमें क्या होगा आर टी एन जी डेल्टा एनजी यही होगा और क्या होगा और कुछ होगा क्या नहीं होगा ना तो अब क्या करना केपी के पी गेवन है आपको कितना गेवन है फोर सेवन पॉइंट नाइन इज इक्वल टू के सी निकालना है के सी यहां पे रख दो डेल्टा एनजी निकालते बनता ही है सबसे एक बार फॉर्मूला भी लिखवा देता हूं डेल्टा एन जी मतलब कि नंबर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस एट प्रोडक्ट साइड माइनस नंबर ऑफ़ गैसेस एट रिएक्टेंट साइड कितना इजी ये तो सबको पता ही है वैसे तो मेरे ख्याल से तो नेक्स्ट देख लो प्रोडक्ट साइड पे क्या एक सबसे पहले तो एक बार रिएक्शन भी लिख लेते हैं क्या है एन टू ओ फोर जो कि बना रहा है टू एन ओ टू ठीक है कि ये दोनों गैसेस हैं ठीक है मैंने नीचे नहीं लिखा अब ये दोनों की दोनों गैसेस हैं तो देखो प्रोडक्ट साइड पे कितनी गैसेस हैं एक दो है देखो सामने टू लिखा है तो ये हो जाएगा टू माइनस इस साइड पे कितनी है सर एक ही है तो ये हो जाएगा वन तो डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आ गई वन आ गई डेल्टा एनजी की वैल्यू वन आ गई तो शुक्र मना ना आपको स्क्वायर करना ना आपको क्यूब करना यहां पे पुट कर दो आर इन टू टी की पावर वन चलो आरगे वन है क्या आरगे वन है बिल्कुल जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो, जीरो एट थ्री कई की जगह पे आपको एट टू भी देखने को मिलेगा है ना जैसे गिवन रहेगा वैसे अपन पुट करेंगे टी टी कितना है आपके पास टू एट 288 के सी निकालना है ये हमारे पास गिवन है तो अब जब बताओ आपके पास पांच में से सॉरी चार में से तीन चीजें अगर गिवन है तो एक तो निकल ही आएगा तो के सी निकाल लो तो के सी इज इक्वल टू फोर सेवन पॉइंट नाइन डिवाइड बाई जीरो चलो के सी सोल्व करोगे तो लगभग लगभग टू के करीब आएगा इसको आप सॉल्व कर सकते हो ठीक है यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना लगभग लगभग टू के ही करीब आएगा ठीक है समझ गए एक बार लेकिन आप भी कैलकुलेट कर लेना बाकी का तो ईजी है ठीक क्या लगा रिलेशन लगा किस में फिर से केपी केसी में क्लियर है चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इक्वेशन ये रही इक्वेशन द नंबर ऑफ प्रिंसिपल चलो देखते हैं आपके पास सबसे पहले तो क्या करोगे रिएक्शन लिख लेना एग्जाम में रिएक्शन लिखने मत बैठना एग्जाम में रिएक्शन लिखने मत बैठना सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए पेन को उठाना ठीक है एसओ टू ऐसे क्वेश्चन के लिए मत बैठना ज्यादा एसओ टू प्लस ओ टू जो की बना रहा है टू एस ओ थ्री ठीक है ऐसे क्वेश्चंस के लिए सिर्फ आप ऐसे थोड़ा सा देखो सॉल्व करो मतलब मन में सॉल्व करो निकलो ज्यादा टाइम नहीं लगाना देखो अब यहां पे क्या है इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजिंग टेम्परेचर के लिए हमेशा डेल्टा एच की वैल्यू देखना डेल्टा एच की वैल्यू यहां पर नेगेटिव है और हम ये मान के चलते हैं कि टी वन अपॉन टी टू मतलब मैंने आपको अगर एक इक्वेशन कराई थी याद होगा मेरे ख्याल से तो क्या था वो लॉग टू अपॉन के वन था वन इज इक्वल टू डेल्टा एच टू पॉइंट यही रिएक्शन थी आ, यही इक्वेशन है ना अब यहाँ पे देखो जो डेल्टा एच है वो नेगेटिव है मतलब ये वाली जो रिएक्शन हो गई वो कौन सी है एक्सोथर्मिक है क्यों क्योंकि इसका जो डेल्टा एच है वो नेगेटिव वैल्यू है ठीक है और अगर नेगेटिव वैल्यू है हमेशा याद रखना अगर नेगेटिव वैल्यू है तो K2 क्या होगा छोटा होगा K1 से ठीक है K2 छोटा होगा K1 से मैंने कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से कराया हुआ है ये अगर नहीं देखा तो पीछे जाके देख लेना ठीक है हम ये मान के चलते हैं कि T2 टू इज ग्रेटर देन T1 होगा मतलब कि इनिशियल जो टेम्परेचर होगा उसका अगर आप टेम्परेचर दे रहे हो जैसे चाय का अगर आप चाय रख रहे हो आप किसी पतीले में तो पतीले का भी टेम्परेचर कम होगा जैसे ही गैस चालू करोगे तो बढ़ेगा ना तो T2 जो है फाइनल टेम्परेचर वो ज्यादा है इनिशियल कम है तो T2 टू इज ग्रेटर देन T1 है तो वन अपॉन टी वन क्या होगा ग्रेटर देन वन टी टू होगा सिंपल सी बात है रेसी प्रोकल्प तो बड़ा ही होगा उसका ठीक है तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी लेकिन ये ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा और ओवरऑल में मैंने बताया था अगर लॉग K2 टू अपॉन के जो है वो नेगेटिव हो गया इसका मतलब K2 टू एज स्मॉलर देन के है टू smaller के वन है मतलब अगर आप इंक्रीज करोगे टेम्परेचर फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो आपकी रेट जो है वो कम होगी मतलब यहां पर क्या होगा ये डिक्रीज होगा एसओ थ्री के साइड नहीं जाएगा पूरा साइड पे नहीं जाएगा क्लियर है चलो इंक्रीजिंग प्रेशर अब बताओ प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो हमें कम करना पड़ेगा और कम करने के लिए रिएक्शन कहां पर जाएगी जहां पर नंबर ऑफ गैसेज मोल कम होंगे नंबर ऑफ गैसेज मोल कम होंगे क्यों प्रेशर कौन लगाता है गैसेस ही लगाती है देखो तो इंक्रीजिंग प्रेशर मतलब कि हमें प्रेशर क्या करना है कम करना है और अगर हमें प्रेशर कम करना है तो वहां पर जाना रहेगा जहां पर पर नंबर ऑफ गैसेस कम है 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 देखो यहां पर दो है, और ये एक है, तो तीन, है। तीन गैस है यहां से समझ लो ठीक है तीन गैस के मोल है और यहां पर क्या है दो गैस के मोल हैं रिएक्शन कहां जाएगी आगे साइड तो इससे बढ़ेगा तो इस साल से बढ़ेगा क्लियर तो

इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को टच नहीं करता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को नहीं बिगाड़ेगा वो भले रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा दे लेकिन इक्विलिब्रियम को वो क्या नहीं करता डिस्टर्ब नहीं करता डिस्टर्ब डिस्टर्बेंस इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्रिएट नहीं करेगा नहीं करेगा ठीक है तो ये वाला पॉइंट नहीं करेगा बाकी आपके ये जो पॉइंट है ये सारे के सारे सही हैं बी सी डी सही हैं इंक्रीज टेम्परेचर करोगे क्योंकि एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो तो वो उस साइड नहीं जाएगा मतलब वैसे ही हीट रिलीज हो रही है तो पीछे आएगी वो रिएक्शन ठीक है समझ में आ गया तो आपके कौन कौन से हैं ये तीन सही हैं तीन सही है क्लियर समझ में आ गया तो ये अपन के अगले के तीन क्वेश्चन हो गए अब अपन चलते हैं और आगे जब तक आप ये तीन जो है क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं केपी केसी ठीक है उसमें रिलेशन था के, निकालना था और ये उसको रिवाइज करो फिर आगे चल देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फॉर अ रिएक्शन एक्स प्लस वाई टू जेड बना रहा है वो वन मोल ऑफ एक्स वन पॉइंट फाइव मोल ऑफ वाई 0.5 पॉइंट फाइव मोल ऑफ जेड वर टेकन इन 1 लीटर वेसल एंड अलाउड टू रिएक्ट एट इक्विलिब्रियम ठीक है द कंसेंट्रेशन ऑफ जेड बॉज वन ये देखो ये पुराने वाला जैसा क्वेश्चन दे दिया अपन ने एक बार जो क्वेश्चन कर चुके हैं सॉल्व लगभग सेम ही क्वेश्चन है पांच सितंबर को ये पूछा गया था सबसे पहले अपन क्या करेंगे रिएक्शन लिखेंगे रिएक्शन क्या है देखो x प्लस वाई एक्स प्लस वाई जो कि बना रहा है और इक्वल नहीं है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है जो कि बना रहा है टू जेड ठीक है कोई दिक्कत नहीं अब इनने बोल दिया है क्या बोला है कि भैया हम कुछ कंसेंट्रेशन लेके रखे हैं मोल लेके रखे हैं क्या क्या है X का है एक मोल, इसका है 1.5 मोल और Z का भी लेके रखे हैं वो 0.5 मोल कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत तो चलो अब अपन बात करते हैं कि अपन खुद आप लोग हम सब कैसे निकालेंगे इक्विलिब्रियम तो देखो अगर मैं इसको लेके चलू वन माइनस टी इज पर तो वन माइनस इसको मैं इस बार लेके चल रहा हूं अल्फा क्यों अगर एक्स लेके चलूंगा तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा ठीक है वन माइनस अल्फा ये हो जाएगा वन पॉइंट फाइव इनिशियल मतलब माइनस अल्फा कोई दिक्कत नहीं इसका क्या होगा अब जीरो पॉइंट फाइव प्लस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा जितना कम होगा उतना प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा यही तो करते हैं हम ठीक है तो चलो इसको सॉल्व करते हैं लेकिन 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 क्वेश्चन में हमको गिवन है सबसे पहले देखो क्वेश्चन ही पढ़ा करो बड़ा मजा आता है ऐसे में जब पूरे रिएक्शन जब पूरा जो आंसर है ना क्वेश्चन में छुपा गिवन क्या है हमको कि जो जेड है एट इक्विलिब्रियम वो देख रखा है वन तो देखो तो ये हो जाएगा जीरो पॉइंट फाइव प्लस अल्फा इज इक्वल टू वन अब देखो गलती कहां होती है गलती कहां होती है गलती जल्दी जल्दी में यहां होती है कि इसके सामने तो टू था इसके सामने वन था तो अल्फा लिखा इसके सामने भी अल्फा लिखा वन था क्योंकि इसके सामने तो टू है तो अल्फा क्यों लिखा टू अल्फा होना चाहिए बिल्कुल सही तो ये हो जाएगा आपके पास टू अल्फा ठीक है तो देखो जहां गलती होती है तो एक बार मैं भी गलती करके आपको बता देता हूं वहां पर ठीक है तो ये हो जाएगा आपके पास टू अल्फा तो इसको सॉल्व कर लो जरा तो ये हो जाएगा आपके पास देखो टू अल्फाइज टू जीरो पॉइंट फाइव सही है एक में से आधा जाएगा आधा ही बचेगा ठीक है तो एक और ये आधा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अल्फा जाएगा, 2 और इसको अच्छा सजा के लिखना है तो इसको लिख सकता इज इक्वल टू कर दोगे तो वन पॉइंट फोर हो जाएगा तो अल्फा की वैल्यून पॉइंट फोर आ गई चलो अब हमें निकालना क्या है केसी निकालना है जो कि फ्रैक्शन में है तो अपन ने सही करा उसको वन अपॉन फोर के लिख के तो केसी इज इक्वल टू क्या होगा प्रोडक्ट उसके सामने क्या है आपके टू है तो वो चला जाएगा ऊपर टू सामने टू तो ऊपर टू ऐसे याद रखो ठीक है तो तो ये हो जाएगा सामने ऊपर वन, तो वन वाई का क्लियर है अब इसका कंसेंट्रेशन चाहिए होगा इक्विलिब्रियम पर तो निकाल लेते हैं वन माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी आई वन अपॉन फोर इसमें कितना है हुँ? देखो फिफ्टीन uh, हो गया फिफ्टीन डिवाइड बाई टेन को मैं लिख सकता हूं तो ये हो जाएगा 3 2 1 4. क्लियर मस्त मस्त ठीक है इसको सॉल्व करो तो जीरो पॉइंट फाइव या फिर मैं इसको लिख रहा हूं ऐसे देखो वह, इसको मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं जीरो पॉइंट फाइव प्लस टू अल्फाइन कितना आएगा ये देखो यह वन बाय टू प्लस टू इंटू वन बाय फोर सही है अल्फा की वैल्यू पुट करिए वन बाय फोर तो हो जाएगा वन अपॉइंट टू तो वन अपॉइंट टू प्लस वन अपॉइंट टू ठीक है तो कितना चलो कंसंट्रेशन कितना आएगा ये हो जाएगा आपके पास थ्री बाय फोर यह हो जाएगा आपके पास देखो इसको सॉल्व कर सकते हैं वैसे तो अपन बहुत इजीली तो ये हो जाएगा आपके पास थ्री बाय टू इसका एल्सर ले लेना ले ना फोर लगभग आएगा इसका ठीक है तो ये हो जाएगा आपके पास टू सिक्स माइनस वन मतलब फाइव बाई फोर ये हो जाएगा फाइव बाय फोर और ये बनता जाएगा कितना और आधा एक होता है इसमें वैल्यू को पुट करो z की वैल्यू वन आ गई तो वन का स्क्वायर डिवाइड बाय देखो x कितना है थ्री बाय फोर इंटू ये कितना है फाइव बाय फोर क्लियर यहां तक सही है न? ठीक है तो के सी की वैल्यू अपन को गिवन है क्या? नहीं के है के सी इज इक्वल टू के सी तो हमें निकालना है यहां तक क्लियर हो गया चलो ये हो गया वन अपॉन फिफ्टीन बाय सिक्सटीन मतलब, मतलब ये हो गया सिक्सटीन अपॉन फिफ्टीन इज इक्वल टू के सी मतलब के सी में जो अपना एक्स की वैल्यू है वो क्या हो गई एक्स की वैल्यू हो गई सिक्सटीन कितना इजी था बहुत था ना अरे भाई के सी की वैल्यू अपन को एक्स फिफ्टीन थी दोनों को कंपेयर कर दो एक्स की वैल्यू ये आ गई अब ये मत पूछना ये कैसे हो गया देखो ये इसका अपोजिट हो जाएगा ये रेसिप्रोकल होगा तो उल्टा हो जाएगा ये तो ये कितना हो जाएगा सिक्सटीन अपॉन फिफ्टीन क्योंकि रेसिप्रोकल में तो ऐसा पुट हो गया तो सिक्सटीन आ गया क्या इसका आंसर तो क्या करें आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहां पर बोल रहा है जो कि पांच सितंबर में आया हुआ आमोजीन आइडियल गैस रिएक्शन ए बी टू जो कि ए और टू बी बना रही है इज कैरीड आउट इन अ लीटर फ्लास्क एट 27 डिग्री सेल्सियस ठीक है द इनिशियल अमाउंट ऑफ ए बी टू वॉज वन मोल अब ये बोल दिया है कि इनिशियल अमाउंट ए बी टू का कितना है वन मोल तो सबसे पहले अपन रिएक्शन लिख लेते हैं ए बी टू जो कि मरा रही है क्या आपका ए प्लस टू बी बना रही है अब उनने बोल ले इनिशियल मोल इसका कितना है वन है तो हमें सबको पता है कि सिर्फ अगर t इज इक्वल टू टाइम मैं जीरो की बात कर रहा हूं मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट ही हो रही है तो सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा हमारा रिएक्टेंट होगा तो प्रोडक्ट तो होंगे ही नहीं ठीक है एंड द इक्विलिब्रियम प्रेशर वाज 1.9 इक्विलिब्रियम प्रेशर देखे रखा है कितना 1.9 पॉइंट नाइन एटीएम ठीक है द वैल्यू ऑफ के पी इज एक्स इन टू टेन की पावर माइनस टू इज ठीक है देखो क्या पूछा है के पी केपी की वैल्यू है एक्स इंटू टेन की पावर माइनस टू ये है ठीक है अब हमसे पूछा है कि एक्स की वैल्यू बताओ तो सबको पता होना चाहिए कि केपी होता क्या है केपी होता है हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट यही यही होता है। यही होता है है था ठीक अब बताओ यहां पर क्या आपको पार्शियल प्रेशर दिख रहा है नहीं दिख रहा तो केपी कैसे निकालेंगे सिंपल सी बात है क्वेश्चन तो आना चाहिए ना तो केपी निकाला जाता है कैसे निकालते थे पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला पार्शियल प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल टोटल प्रेशर यही होता है ठीक है अब टोटल प्रेशर तो अपन को देखे रखा हुआ है वो देखो 1.9 रखा है लेकिन क्या हमारे पास ये है ठीक है क्या मूल फ्रैक्शन जो है वो हमें किस पर चाहिए होगा एट इक्विलिब्रियम तो चलो अगर मैं टाइम इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर लेके जाता हूं तो मैं ये लेके चल रहा हूं इसमें से वन माइनस एक्स हो गया होगा मतलब x अमाउंट जो है वो टूट गया होगा और उसने क्या बनाया होगा x बनाया होगा आपका प्रोडक्ट a वाला और इसके सामने दो है तो इसने बनाया होगा 2x एक्स क्लियर लेकिन अब बात यह फंसती है क्या कि ये हमारे पास भी तो नहीं है कि कितना टूट रहा है वो भी तो नहीं है वो कैसे निकालेंगे भाई देखो हमारे पास टोटल वो भी नहीं है तो अपन वो कैसे निकालने वाले देखो यहां पर क्या है ए बी टू वॉज वन मोल एंडिब्रियम प्रेशर वॉज वन पॉइंट नाइन अब ये कैसे निकालोगे यहां फस जाते हैं हम तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं ध्यान से देखना टोटल यहाँ पे कितना है आपके पास वन पॉइंट यहां पे देखो इक्विलिब्रियम प्रेशर ठीक है तो अगर मैं क्या करूं यहां से पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से मोल्स निकाल लू टोटल मोल्स निकाल लू तो बात बन सकती है ठीक है तो देखो ध्यान से यहां पे क्या होने वाला है प्रेशर हमारे पास है क्या प्रेशर बिल्कुल है है तो यहां पे रखूंगा इंटू वॉल्यूम हमारे पास है क्या बिल्कुल है ट्वेंटी फाइव लीटर हमारे पास वॉल्यूम है मोल मतलब एन टोटल हमारे पास है नहीं है डिवाइड बाय आर आर की वैल्यू है क्या हमारे पास बिल्कुल है देखो जीरो पॉइंट यहाँ पे मैं लिखूंगा जीरो पॉइंट जीरो एट टू जीरो सिक्स पूरा लिखने की जरूरत नहीं है इन टेम्परेचर है क्या ट्वेंटी सेवन है तो उसको अपन थ्री हंड्रेड लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए चलो आ जाओ आप अब इसको मैं लिख सकता हूं क्या मैंने आपको बता दें डिवाइड बाय मैं इसको बाय ट्वेल्व लिख, लिख, लिख सकता हूं मैं इसको ठीक है जीरो पॉइंट एट टू को मैंने आपको बहुत पहले बताया था इंटू थ्री हंड्रेड यह चला जाएगा कितना ट्वेंटी फाइव टाइम और ये ट्वेंटी तो लगभग आपका आएगा वन पॉइंट नाइन ये क्या आएगा आपका टोटल मूल एंड टोटल तो टोटल मोल आ गए हमारे पास 1.9 लेकिन सर इससे फायदा क्या चलो बताता हूं मतलब मैंने कैलकुलेट तो करा कि 1.9 मेरा टोटल आया तो देखो इक्विलिब्रियम पर मैं यहां की वैल्यू तो एट इक्विलिब्रियम टोटल मोल अपन कैसे निकाल सकते हैं देखो एंड टोटल सबका सम कर दो तो, तो क्या जाएगा टोटल मोल आ जाएगा तो यहां पर लिखूंगा वन माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस टू एक्स है, तो माइनस एक्स प्लस एक्स गया तो यहाँ पे क्या हो गया देखो एन टोटल इज इक्वल टू वन प्लस टू एक्स हो गया और अपना एन टोटल की वैल्यू कितनी आई थी वन पॉइंट नाइन इज इक्वल टू वन प्लस टू एक्स ये हो जाएगा जीरो पॉइंट नाइन प्लस इज इक्वल टू टू एक्स और जीरो पॉइंट फोर सिक्स फाइव लगभग हो जाएगी किसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू ठीक है इसको आप कैलकुलेट करोगे तो जीरो फाइव आएगा लेकिन यहाँ पर टोटल एग्जैक्ट जो है वो कितना आता है वन पॉइंट नाइन थ्री कुछ आता है ठीक है अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो लगभग ऐसे कुछ आएगा दो डिजिट में जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो यहाँ पे आया आपका जीरो पॉइंट फोर सिक्स फाइव यहां तक क्लियर कोई दिक्कत नहीं ना अब देखो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई अब मैं अगर ए बी टू की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या 1 हो जाएगा वन माइनस जीरो पॉइंट फोर सिक्स फाइव यही होगा एक्स की वैल्यू यहां पे भी क्या होगा देखो जीरो पॉइंट फोर सिक्स फाइव और ये हो जाएगा आपके पास देखो टू एक्स है ना तो टू इंटू जीरो पॉइंट फोर सिक्स फाइव यही होगा ठीक है तो इसको मैं लिख सकता हूं आ, कितना uh, लिख सकता हूं इसको मैं क्लियर चलो आप इसको सॉल्व करके देखते हैं ठीक है यहां पे क्या आएगा अब मैं निकाल रहा हूं के पी जो कि क्या होने वाला है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए तो कैसे निकालेंगे जीरो पॉइंट फोर सिक्स फाइव डिवाइड बाय टोटल मोल टोटल मोल कितने थे अपने देखो ये थे अपने टोटल मोल कितने निकाला था अपने वन पॉइंट वन पॉइंट नाइन थ्री इंटू पी टोटल प्रेशर ठीक है प्रेशर कितना है अपना वन पॉइंट नाइन है यहां तक क्लियर हो गया देखो भाई फॉर्मूला क्या होता है केपी का केपी का फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन यहां पे लिखा देखो मोल फ्रैक्शन इंटू पी टोटल तो पार्शियल प्रेशर निकाल रहे हैं ना हम तो ये वाला पार्शियल प्रेशर है नहीं ना हमारे पास तो के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ये एक्स का ठीक है चाई ए पी टोटल चाई बी पी टोटल डिवाइड बाई चाई ए बी टू इंटू पी टोटल समझ में आएगा सबका प्रेशर लगेगा टोटल प्रेशर ठीक है तो यहां पे आप इसको मैं पुट कर रहा हूं देखो इन टू ये कितना तो आपके पास वन पॉइंट नाइन अपॉन वन पॉइंट नाइन थ्री ठीक है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बी टू ठीक है क्योंकि इसके सामने टू है तो ये हो जाएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय फिर से डिवाइड डिवाइड किससे करेंगे अब ध्यान से देखो ये हो जाएगा आपके पास वन माइनस एक्स अपॉन पी टोटल कितना मोल फ्रैक्शन टोटल कितना जाएगा फिर वन पॉइंट नाइन थ्री वन पॉइंट नाइन और ये कितना हो जाएगा फिर इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो वन माइनस जीरो पॉइंट फोर फाइव सिक्स फाइव रख लो तो ये हो जाएगा आपका जीरो पॉइंट फाइव फोर फाइव थ्री के करीबन आ जाएगा ठीक है देख रहा है ना एक में से जाएगा जीरो पॉइंट फोर सिक्स तो कितना आएगा जीरो uh, पॉइंट फाइव थ्री के लगभग करीबन वो आएगा ठीक है इतना क्लियर

मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल सेम इसमें भी करा है ठीक है अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो देखो मुझे साफ-साफ क्या-क्या दिख रहा है यहां पर देखते रहो बस देखो 1.93 1.93 खलास 1.9 1.9 ये भी गया अब बस इसको ही तो कैलकुलेट करना है ठीक इसको अगर कैलकुलेट करते हो तुम 1.9 डिवाइडेड बाय 1.93 करते हो तो लगभग आता है आपके पास 0.98 थीके? तो जीरो पॉइंट नाइन एट को अगर आप चाहो तो वन लिख सकते हो लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा थीके? क्लियर है चलो अब आपने पास बचेगा क्या फिर लगभग आएगा आपके पास सेवन टू इंटू टेन की पावर माइनस टू यह आपके पास फॉर्मूला आने वाला है मतलब आंसर आने वाला है ये जाएगा आपके पास सेवनटी टू क्लियर है अब कहां फंस रहे हो यहां पर वो मैं आपको एक बार फॉर्मूला लिखवा देता हूं तो वहां पर भी नहीं फंसोगे ठीक है तो मैं इसको हटा रहा हूं अभी ये वाला हटा देता हूं ठीक है देखो इसमें फंस रहे होगे तो के पी इज इक्वल टू क्या होगा भाई यहां पर मैं लिख रहा हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मोल टोटल मोल पूरा का पूरा मोल इंटू पी टोटल क्लियर अब देखो ये हो गया अब आप आ जाएगा आपके पास अब मैं इसको लिखूंगा आधा लिख रहा हूं ठीक है चाई बी CB मतलब कंपोनेंट बी ठीक है डिवाइड बाय टोटल चाई टी टोटल इंटू पी टोटल क्योंकि उसके आगे टू लगा हुआ है इसलिए उसमें स्क्वायर हो गया ठीक है डिवाइड बाय फिर से सेम इसमें भी हो जाएगा चाई ऑफ ए बी टू कंपोनेंट ए बी टू डिवाइड बाय यहां पर टोटल मूल इनटू फिर से पी टोटल तो ये वाला फॉर्मूले को अपन ने यहां पर सीधा सीधा लागू करा है क्लियर है समझ में आ गया अब इसको आप शॉर्ट में कैसे कर सकते हो आपको पता है पी टोटल कितने आने वाले हैं यहां पर तो यहां पर पी टोटल का स्क्वायर है यहां पर एक पी टोटल है तो कितना हो गया पी टोटल का क्यूब हो गया और यहां पर एक है तो आप एक कम करो क्यूब से एक को डिवाइड कर दोगे तो दो बचेगा उसका स्क्वायर करके डायरेक्ट इनटू कर दो इतना पूरे करने की दिक्कत भी नहीं पड़ेगी क्लियर है ठीक है समझ में आ गया चलो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत ही ईजी अगर आप उसको एक बार बैठ के समझोगे तो ठीक है उसको देखते रहो थोड़ी देर तक चलो अब अपन चलते हैं थोड़ा आगे नाइन्थ क्वेश्चन की बात करते हैं पी सी एल फाइव पी सी एल फाइव जो कि बना रहा है पी सी एल थ्री ठीक इन टू प्लस प्लस सी एल टू अब चलो ये रिएक्शन आपको दी गई है 22 जुलाई को ये क्वेश्चन आया हुआ था देखो यहां पर के सी की वैल्यू आपके पास 1.844 है और बोल रहा है कि तीन मोल ऑफ पीसीएल फाइव इज इंट्रोड्यूस इन वन लीटर क्लोज रिएक्शन क्लोज वेसल ठीक है 380 एट्टी वहां पर उसका टेम्परेचर है कोई दिक्कत नहीं द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पी सी एल फाइव एट इक्विलिब्रियम इज अब हमको क्या बताना है फिर से सुन लो कि यहां पर आपके पास कितने हैं तीन मोल पहले डाले गए एक लीटर फ्लास्क के अंदर तो जब स्टार्टिंग में ही डाल दिया तो प्रोडक्ट तो होगा ही नहीं तो जीरो जीरो होगा क्लियर है चल। द नंबर ऑफ मोल्स पी फाइव एट इक्विलिब्रियम अब इक्विलिब्रियम पर इसके मोल कितने होंगे वो हमको बताना है ठीक है इसके मोल कितने होंगे वो हमको बताना है चलो देखो तो यहां पर इक्विलिब्रियम क्या होगा थ्री माइनस एक्स जो है वो कम हो गया होगा यहां तक क्लियर ये बनाएगा एक्स ये बनाएगा एक्स। एक एक मोल एक एक क्या बनाएगा? एक एक ही पार्ट है ना यहां पर अगर टू होता तो टू लिखता थ्री होता थ्री लिखता क्लियर है चलो केसी का फॉर्मूला क्या होता है केसी का फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन ऑफ पी सी थ्री कंसेंट्रेशन ऑफ सी टू डिवाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ पीसीएल फाइव यही होता है यहां तक तो सबको क्लियर है अब के का आपके पास क्या है वैल्यू दी गई है क्लियर ठीक इज इक्वल टू अपने पास यहां पर कंसनट्रेशन क्या है नहीं पता क्या रखेंगे एक्स रखेंगे और ये एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्सर स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय पीसीएल फाइव कितना है हमारे पास नहीं पता तो माइनस थ्री थ्री माइनस एक्स रखेंगे

वन पॉइंट एट फोर फोर एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पूरी टर्म को जरा इधर लेके आना कैसा दिखता है एक्स स्क्वल टू एक्स स्क्त क्या हो जाएगा प्लस वन पॉइंट एट फोर फोर एक्स ये देखो जब ये पॉजिटिव में मेंगेटिव जाएगा माइनस थ्री इंटू वन पॉइंट एट फोर फोर यहां तक क्लियर है ठीक है अब भाई देखो आप ना दो तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हो या तो उसको क्या कर लो फैक्टराइज कर लो अलग अलग कर लो ठीक है लेकिन उसमें बहुत दिक्कत जाएगी वरना सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला पुट करो ये वाले फॉर्मूले को जैसे ही पुट करते हो तो आपके पास एक वैल्यू निकल के आती है एक्स इज इक्वल टू वन वन पॉइंट सिक्स जीरो फोर लगभग निकल के आती है वन पॉइंट सिक्स जीरो फोर ठीक है एक्स की वैल्यू ऐसे निकल के आ जाएगी बहुत ईजी ले जाएगी ज्यादा घबराने की बात नहीं है अब हमको निकालना है PCl5 फाइव का कंसंट्रेशन ठीक है एट इक्विलिब्रियम तो वो क्या है हमारा देखो थ्री माइनस एक्स यही तो अपन ने निकाला था ऐसे तो क्या करो थ्री माइनस एक्स की वैल्यू कितनी निकाली थी 1.64 1.604 ठीक है लगभग आधा ही दिख रहा है लगभग आधा ही दिख रहा है ठीक है तो करना क्या है बस माइनस कर दो यहां पर जैसे ही वैल्यू निकालोगे तो वन पॉइंट लगभग फाइव के करीबन वैल्यू आएगी वन पॉइंट थ्री के करीबन ऐसे कुछ वैल्यू आ जाएगी आपकी क्लियर लगभग तीन का आधा ही है तो डेढ़ ही तो है ठीक है तो लगभग क्योंकि जीरो फोर है तो ऐसे ही कुछ आएगा थ्री नाइन 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 ऐसे कुछ तो वन थ्री के करीबन ये वाली वैल्यू आ जाएगी क्लियर ईजी था बहुत ईजी था ये वाला भी इसमें कुछ नहीं करना था के सी का फॉर्मूला लगाओ कंसेंट्रेशन को पुट करो एक इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करने पड़ेगा ये वाले फॉर्मूला से भी निकल आएगा अब देखो ये वाला फॉर्मूला पुट करोगे तो एक माइनस फॉर्म में आएगा एक प्लस फॉर्म में आएगा लेकिन आपको सभी को पता है कंसनट्रेशन नेगेटिव में होगा ही कैसे क्लियर है तो नेगेटिव वाला का अलग हो जाएगा पॉजिटिव वाले को अपन को अपने साथ रखना है क्लियर है समझ में आ गया चलो ऐसे ही आगे कर रही है टेंथ वाला क्वेश्चन है ये रहा फॉर द रिएक्शन ए से बी बना रहा है equal to G के इज इक्वल टू जी की वैल्यू के वन है अब देखो ये जी की वैल्यू के वन ठीक है इफ वी स्टार्ट द रिएशन इन क्लोज वैशल कंटेनर एट इतना टेम्परेचर तो 22 मिलीमोल्स ऑफ ऑफ ए द द अमाउंट बी इन ट्वेंटी मिक्सचर इज अमाउंट ऑफ बी चलो इसको थोड़ा रिएक्शन लिख लेते हैं ए जो है वो बना रहा है क्या टू बी इतना बना रहा है ठीक है जी की वैल्यू गिवन है अगर हमने स्टार्ट करी रिएक्शन की ठीक है तो ट्वेंटी टू मिलीमोल्स ऑफ ये थे तो ये आ गए ट्वेंटी टू मिली मोल्स याद रखना है क्या है ये मिली मोल्स ठीक है तो बी क्या होगा जीरो होगा कोई दिक्कत नहीं द अमाउंट ऑफ बी इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज अब हमें अमाउंट बताना है बी का इक्विलिब्रियम मिक्सचर पर तो टी इज इक्वल टू क्या हो गया इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाएगा ट्वेंटी टू माइनस एक्स तो ये हो जाएगा एक्स तो हमें यह दिखाना है ठीक है क्या क्या गेवन है क्या के सी केपी गेवन है नहीं गेवन है तो कैसे निकालोगे कैसे निकालेंगे देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मैंने बहुत पहले कराया हुआ है ठीक है ध्यान से देखना डेल्टा जी पहली बात तो ये किस पे है इक्विलिब्रियम पर है ठीक है तो ध्यान से सुनना डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है डेल्टा जी नॉट याद है याद है प्लस एन आर टी एल एन क्यू यही होता था यही होता था ठीक है तो अगर मैं इसको देखूं तो क्या हो जाएगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी अगर मूल वन है तो एल एन क्यू और अगर इक्विलिब्रियम पर है तो ये जो Q है वो किस में बदल जाता है ई e क्यू में बदल जाता है ये किस में बदल जाता है ई e और Q में तो यहां पे मैं पुट करूंगा ई e और q में और अगर इक्विलिब्रियम पर है तो सर ये डेल्टा जी जीरो हो जाता है याद रखना एट इक्विलिब्रियम जो आपका डेल्टा जी की वैल्यू है वो जीरो होती है है ठीक तो तो ये जीरो हो हो जाएगा तो यहाँ पे आप पुट कर सकते सारी सारी की सारी वैल्यू ठीक है आर हमारे पास गेवन है ये देखो आर गेवन है यहां पर टेम्परेचर हमारे पास गेवन है एल एन क्यू ही तो निकालना है और ये देखो अब ध्यान से देखते रहना सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है यूनिट्स ये है केजे ये जूल में है ठीक है और क्या बच गया हमारा टेम्परेचर ये कैलविन में है तो इसको कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा तो चलो आ जाओ करते हैं सॉल्व ठीक है इसको अब अब बात आती है सॉल्व करने की बाकी का मैं आपसे ही कराऊंगा ये वाला क्वेश्चन देख लेना ठीक है यह जाएगा डेल्टा जी की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास माइनस नाइन पॉइंट फोर सेवन एट इंटू टेन की पावर थ्री करना पड़ेगा क्योंकि वो किलो जूल है हमें जूल में कन्वर्ट करना है इज इक्वल टू माइनस ये जो हमें माइनस गिवन है माइनस है, आर आर कितना है एट पॉइंट थ्री वन फोर इंटू टेम्परेचर कितना है भैया हमें टू नाइनटी फाइव और एल एन ई क्यू तो हमें निकालना है ठीक है ना चलो तो इसको सॉल्व कर सकते हैं वैसे तो अपन तो एल एन क्यू एल एन ई क्यू कितना आएगा वो आएगा आपके पास माइनस नाइन माइनस से माइनस कैंसिल तो प्लस कर दो तो इसको नाइन पॉइंट फोर सेवन एट इंटू टेन की पावर थ्री डिवाइडेड बाई एट पॉइंट सॉल्व करते तो हमारे पास आता है टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री इज इक्वल टू एल एन ई क्यू और यहाँ पर ये जो वैल्यू होती है वो लॉग टेन की होती है एल एन टेन की होती है तो यहाँ पे इ क्यू मतलब के सी वो कितना आ गया टेन आ गया आप कई लोग सोच रहे होंगे कि ई क्यू नहीं लिखते के सी लिखते हैं तो केसी भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है इसको के सी भी लिखा जा सकता है ठीक है तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है अपन के सी लेके चल रहे हैं तो अपन के सी लेके चलेंगे यहाँ पे के सी लिख लेना ठीक है यहां पे भी के सी और यहां के सी ठीक है तो मैं लिख देता हूं देखो ये हो जाएगा आपके पास केसी की वैल्यू टेन आ गई ठीक है ये हो गया केसी और ये हो गया केसी क्या दिक्कत है ये भी हो जाएगा आपके पास केसी ठीक है ये आ गई टेन वैल्यू अब क्या करना है सिर्फ पुट ही तो करना है अब तो कोई दिक्कत की ही बात नहीं है अगर मैं पूरा ही सॉल्व कर दूं क्या कुछ है ही नहीं तो पावर तो बनेगा ही नहीं केसी की वैल्यू टेन आई है इज एक ट्वेंटी टू माइनस एक्स हमें किसका निकालना है हमें इसका निकालना है इसका निकालना है ना हमें ट्वेंटी टू माइनस एक्स देखो किसका निकालना है बी का अमाउंट ऑफ बी हमें बी निकालना है बी निकालना ठीक है ठीके? तो चलो अगर एक्स की वैल्यू आ गई तो क्या ही दिक्कत है ये हो जाएगा आपके पूरा ही कर दिया ठीक है जो भी वैल्यू आएगा अब जो भी वैल्यू आएगा वो आप यहां पर पुट कर दीजिएगा आपके पास आंसर आपके सामने क्लियर समझ में आ गया तो क्या करना पड़ा अगर आपके पास केसी गिवन नहीं है तो कहां से निकालोगे यहां से निकालोगे ठीक है ये देखो यहां से सारी की सारी वैल्यू निकलती है थर्मोडाने थोड़ा याद आ रहा होगा मेरे ख्याल से तो ठीक है इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी जीरो हो जाता है और ये सारी की सारी बात इक्विलिब्रियम पर ही हो रही है डेल्टा जी जीरो हो गया तो इसकी वैल्यू हमारे पास स्टैंडर्ड फ्री गिव्स फ्री एनर्जी हमें गिवन थी ठीक है इसकी वैल्यू वैसे ही नेगेटिव में थी तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया और बाकी का वैल्यू कैलकुलेशन आपके साथ में है आ, सामने है क्लियर समझ में आ गया उम्मीद कर रहा हूं मस्त ही लगा होगा बस ये थे आपने आपके दस क्वेश्चन बहुत अच्छे देखे आपने के केसी से ही पूछता है तो देखा आपने मैंने बोला ही था आपसे कि के केपी के सी लिचअली प्रिंसिपल इनसे आगे से क्वेश्चन पूछता ही नहीं है मतलब कि बहुत इजी चैप्टर है मस्त ठीक है तो आप नंबर को बिल्कुल भी नैसा मत छोड़ देना कि यार अब इस चैप्टर को छोड़ देते हैं दूसरा चैप्टर पढ़ लेते हैं कि ये तो इससे तो क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं ऐसा मत सोचना नंबर मिलते हैं इससे ठीक है और अब आपको अपडेटेड सिलेबस तो आपको पता चल ही गया होगा उनने सिलेबस को थोड़ा सा अपडेट कर दिया है ठीक है और बाकी की सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ पहुंचती ही रहेगी एक और पी वाई जो आपके साथ सामने मैं लेके आऊंगा उसमें और प्रैक्टिस करेंगे अपन इसी इसी क्वेश्चन को सब क्वेश्चन को लेके क्योंकि इस चैप्टर में बिना न्यूमेरिकल के आप सॉल्व नहीं कर सकते क्लियर है समझ में आ गया तो बस फिर मैं आपसे मिलूंगा आने वाली वीडियो में और मैं मिलूंगा वहां लर्न हफ फ्री ए पर बेस्ट तो जहां ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा जोड़े रहिएगा बाय बाय